महापुराण की कथा कहती है, यदि राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, शनि है, आपको कोई भी ग्रह परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कोई ग्रह अगर अनिष्टकारी है, आपके जीवन में अगर कोई ग्रह अनिष्टता प्रदान कर रहा है, तो निवेदन है शंकर के मंदिर में जो कलश लेकर आप जाएं, जल लेकर जाएं, उस कलश में मात्र अक्षत के दो दाने डालकर ले जाएं, मात्र दो अक्षत के दाने। जैसे सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए अपन कुंकू डाल लेते हैं, हल्दी डाल लेते हैं जल में, या चने की दाल डाल लेते हैं जल के अंदर। सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए हमने चने की दाल डाली, कुंकू डाला, हल्दी डाली, और कभी कभी सूर्य नारायण भगवान से बहुत जरूरी काम है और वो कार्य हो ही नहीं रहा है, या तन पर कोई रोग हो गया है तो उसको मिटाने के लिए कई बार हमने भगवान सूर्य को अर्घ देते समय सफेद फूल भी डाला है, कभी लाल फूल भी डाला। उसी तरह भगवान शंकर से निवेदन करने के लिए, हमारी ग्रह दशा सुधारने के लिए जल के पात्र में दो अक्षत के दाने, अक्षत भी पूर्ण अक्षत, पूर्ण अक्षत, खंडित नहीं, पूर्ण अक्षत भगवान शंकर को समर्पित कर। और बाबा भोलेनाथ को जब हम जल समर्पित करें तो राहु, केतु, मंगल, शनि, शुक्र, बृहस्पति जितने ग्रह हैं सब अनुकूल हो जाते हैं महाराज, सब अनुकूल। इतना बड़ा दर्पण जिसमें मुंह देखते हो, मुख, इतना बड़ा दर्पण लिया। अच्छा, पहले के लोग जानते नहीं है, पहले जो घरों में, आजकल तो फैशन की बंदरवाल होती है, दरवाजे पे जो बंदरवाल लोग लगाते हैं, कहीं मोती की लगा रहे, कहीं काई की लगा रहे, पर तो पहले जो बंदरवाल होती थी, उस बंदरवाल में अगर कहीं कई कई शहरों में, जैसे काशी साइड में, तो आज भी जो बंदरवाल मिलती है उत्तर प्रदेश में, और चलो तो गुजरात में, तो उसमें इतने बड़े बड़े कांच लगे रहते हैं दर्पण, उसका क्या महत्व है, उसकी मूलता क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, दर्पण इतना बड़ा ले लो, बंदरवाल अगर दर्पण वाली नहीं तो इतना बड़ा दर्पण लो, हनुमान जी के मंदिर में जाकर, क्योंकि हनुमान शंकर का ही अवतार है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के उल्टे पांव का थोड़ा सा सिंदूर, चरण का थोड़ा सा सिंदूर एक कागज में लेकर आ जाइए, और हनुमान जी के छोटे भाई, हनुमान जी छह भाई हैं, उसमें गतिमान, हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान का नाम लो, और गतिमान का नाम लेकर उस दर्पण पर सिंदूर से त्रिशूल बना दो, सिंदूर से त्रिशूल बनाकर उस दर्पण को घर के बाहर, दर्पण का मुख बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर मुख करकर दर्पण को घर के बाहर या दरवाजे पर, बिल्डिंग पर, ऊपर जाली में, फ्रंट में, कहीं पर भी उसको लगा दीजिए। महाराज केवल शंकर का स्मरण कर गतिमान का नाम लेकर हनुमान के उल्टे पांव का सिंदूर का त्रिशूल बनाकर जो दर्पण को लगा देता है, आपको एक महीने के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि पिछले जो महीने निकले हैं, पर करके जरूर देखना, विश्वास रखकर करोगे, भगवान शिव का अनुमोदन कर भगवान शंकर पर विश्वास रखकर करोगे तो बीमारी घेर नहीं सकती। अकाल मृत्यु हो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। शंकर की आराधना करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव का निवेदन करने वाला, शिव अर्चना में डूबने वाला, शिव का अनुमोदन करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। बन सके तो बेलपत्र और समी पत्र शंकर को चढ़ाना है, पांच बेलपत्र, ग्यारह शमी पत्र, बन सके 108 चावल के आखे दाने ओम नमः शिवाय जप कर शिव को समर्पित करना। महाराज दुख तकलीफ ज्यादा है, रोग बीमारी ज्यादा है, तो पानी में लाल चंदन घोलकर, लाल फूल डालकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे
कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या दूध चढ़ाना जरूरी है शंकर पर, कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या दही चढ़ाना जरूरी है शंकर पर, शहद चढ़ाना जरूरी है, घृत चढ़ाना जरूरी है, शक्कर चढ़ाना जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है पांच चीजें शंकर भगवान पर चढ़ती है, दूध अर्थात घर में लक्ष्मी की वृद्धि करता है इसलिए चढ़ाया जाता है, दही शंकर भगवान पर इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि यह परिवार को जोड़ता है, जिसके परिवार में क्लेश ज्यादा होता है, जिसके परिवार का परिवार में आपस में तकरार ज्यादा होता है उसको दही जोड़ता है। शहद घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति को समाप्त करता है, घी रोग को समाप्त करता है, शक्कर मिष्ठान घर में यदि लक्ष्मी आकर जा रही हो तो मिष्ठान समर्पित किया जाता है, इसलिए पंचामृत स्नान का भाव शिव महापुराण कहती है, पंचामृत स्नान का भगवान इसलिए पांच चीजें शंकर को समर्पित हैं, दूध दही घृत शहद शक्कर अर्थात मिष्ठान। शक्कर से मूलता या शिव महापुराण में शक्कर नहीं लिखी है, है? निष्ठा। अब लोग शक्कर पीस कर अभिषेक करते हैं परंतु मिष्ठान अर्थात गाय के दूध से निर्मित कोई मिठाई और उस मिठाई से भगवान शंकर का अभिषेक। अब लोग भले शक्कर रखने लगे शंकर जी के अभिषेक में पर यहां शक्कर नहीं लिखा है, यहां मिष्ठान। हमारे यहां सहज भाषा में कहते थे उसको खांड अर्थात मीठा भाव भगवान शंकर को समर्पित हो। वेद और शास्त्र कहते हैं कि भगवान का यदि कोई प्रसाद बनता है, जन्माष्टमी के समय पर आप भगवान के लिए पंजेरी बनाते हो, भगवान के लिए सुंदर हरीरा बनाते हो, लड्डू बनाते हो, तो भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं डलती, ध्यान रखना। आपकी बहू का जापा हो, डिलीवरी हो, तो खूब बादाम गोंद सब तल तल के खिलाओ, पर भगवान का जापा हो, भगवान का जन्मदिन हो, भगवान का जन्मोत्सव हो, राम कृष्ण का जन्मोत्सव हो, तो उसमें गोंद तलकर प्रसाद में कभी मत डालना क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश है, ब्राह्मण हत्या। और विद्वान जो ब्राह्मण होते हैं साहब, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा या भागवत पुराण पढ़ी होती है सुनी होती है, वो ब्राह्मण कभी भी, जो विद्वान ब्राह्मण होंगे वो कभी भी गोंद का लड्डू गोंद तली हुई कभी नहीं खाएंगे, भले वो देसी घी में तले कुछ भी तले, पर गोंद नहीं खाते, गोंद का लड्डू नहीं खाते। क्यों? क्योंकि इसमें ब्राह्मण हत्या का अंश है। प्रत्येक फोटो में लक्ष्मी विष्णु के साथ नहीं मिलेगी, प्रत्येक फोटो में लक्ष्मी गणेश और सरस्वती मिलेंगे। दीपावली पर पाना खरीद कर लाओ, दिवाली पर कागज खरीद कर लाओ, दिवाली पर फोटो खरीद कर लाइए, लक्ष्मी गणेश के साथ मिलेगी, लक्ष्मी सरस्वती के साथ मिलेगी, पर लक्ष्मी विष्णु के साथ नहीं। क्यों? किस लिए? भगवान विष्णु और लक्ष्मी का फोटो नहीं, गणेश सरस्वती और लक्ष्मी का फोटो। क्यों? उसका कारण यहां है। पार्वती जी ने गणेश जी को लक्ष्मी की गोद में दे दिया, ले आज से तू पूर्ण लक्ष्मी हो गई। ये जा, तेरी गोद में गणेश बैठ गया तो तू पूर्ण कहलाए। इसलिए हिंदू धर्म में दिवाली के दिन विष्णु और लक्ष्मी का फोटो नहीं, गणेश लक्ष्मी स्त्री की संतान नहीं तो अपूर्ण है, पूर्ण हो गई जब संतान गोदी आ गई।
संतान गोद आ गई है तो वो पूर्ण है। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी की पूजन इसलिए नहीं होती दिवाली पर, क्योंकि लक्ष्मी अगर नारायण के साथ है तो वह पूर्ण कहलाएगी, और लक्ष्मी गणेश जी के साथ अगर बैठी है तो वो पूर्ण कहलाएगी। और दुनिया के लोगों को अपूर्ण लक्ष्मी नहीं चाहिए, दुनिया के लोगों को भरपूर पूर्ण लक्ष्मी चाहिए, जो संपदा से परिपूर्ण। इसलिए दिवाली के दिन गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती, इन तीनों का पूजन होता है। महाराज कई माताएं कहती है, गुरुजी मेरा पति तो मंदिर ही नहीं जाता, गुरुजी मेरा बहुत दूसरे से आशा ना रखिए, आप कर रहे हो बहुत है, आपका पुण्य मिले वो बहुत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री